भाई साहब क्या सीरीज है, मतलब इस सीरीज को देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि इस सीरीज का मेन विलन है कौन, वो इंसान जिसने ये सब कुछ करा है या वो भगवान जिसके नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। मेरी ये बात आप लोगों को थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, मगर यकीन मानो गुरु ये सीरीज आपके दिमाग के सारे तार खोल देगी, क्योंकि इस सीरीज की कहानी कुछ इस तरीके से दिखाई गई है कि आप जब इस सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड देख लोगे तो आपको शायद इस सीरीज का पूरा प्लॉट समझ में आ जाए और शायद तुम्हारा मन ना करे इस सीरीज के दो एपिसोड के बाद इस सीरीज को पूरा देखने का, मगर यकीन मानो गुरु ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस सीरीज के पहले और दूसरे एपिसोड के बाद जो ट्विस्ट टर्न आते हैं इस सीरीज में, मतलब मजा आ जाएगा तुम लोगों को यार। तो चलो इस सीरीज के बारे में डिटेल में बताता हूँ। इस सीरीज का नाम है बिंद्रा और ये आपको देखने को मिल जाएगी सोनी लिव पर। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि गांव में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती हैं, इसलिए बुलाते हैं स्वामी जी को जो ये बताते हैं कि एक बलि देनी होगी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये सब कुछ होता है ऊपर वाले के नाम पर कि माता बलि मांग रही है किसी की, और उसके बाद स्वामी जी एक बच्ची की तरफ इशारा करते हैं जिसकी बलि चढ़ेगी और उस बच्ची की उम्र सिर्फ 4 से 5 साल होती है, और फिर उस बच्ची की माँ उन गाँव वालों के हाथ पैर जोड़ती है, मगर कोई भी गाँव वाले उसकी बात नहीं सुनते। फिर वो औरत अपनी बच्ची और अपने बेटे को लेकर उस गाँव से भाग जाती है, मगर गाँव वाले उस औरत को पकड़कर उस औरत की बलि चढ़ा देते हैं उसके बेटे के सामने, मगर उससे पहले वो औरत अपनी बच्ची को एक ट्रक के अंदर छोड़ चुकी होती है जिससे उस बच्ची की तो जान बच जाती है मगर उस बच्ची की माँ की जान चली जाती है। मगर इस बच्चे के सामने इसकी माँ का गला काटने से ज्यादा ब्रूटल सीन मुझे ये लगता है, ऊपर वाले के नाम पर एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जला देता है जिसकी उम्र सिर्फ 4 से 5 साल होगी और कोई भी उसको रोक नहीं रहा होता, उसको सपोर्ट करते हैं और भाई लकड़ियां लगा रहे उसको जलाने के लिए यार, जिंदा जला देते हैं उसको, लिटरली जिंदा। और उसके बाद टाइम बदलता है, जिस बच्ची की बलि चढ़ाने वाले होते हैं वो बन जाती है पुलिस ऑफिसर और उसका भाई बन जाता है एक सीरियल किलर जो उन लोगों को मारता है जो ऊपर वालों को ज्यादा मानते हैं, फिर चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो कोई भी धर्म से हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो जैन हो कोई भी हो उसको बस मारना है। और उसका मर्डर करने का तरीका उतना ही अलग होता है जितना एक सीरियल किलर का होना चाहिए, जो हमको इस सीरीज के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखने पर पता लग जाएगा। तो बस समझ में आ गई सीरीज की सारी कहानी, तो अब बाकी के 6 एपिसोड क्यों देखें, क्योंकि बाकी के 6 एपिसोड में आपको असुर सीरीज वाली फीलिंग आएगी। इस सीरीज की कहानी कहां से कहां घूमती है तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा ये देखकर, और इस सीरीज के 5th और 6th एपिसोड के बाद इस सीरीज में इंटरेस्ट तुम्हारा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसको हम सीरियल किलिंग समझ रहे थे उसके पीछे मास मर्डर चल रहा होता है भाई। स्टार्टिंग में एक दो को मारना तो बस एक शुरुआत होती है क्योंकि इन लोगों का मिशन बहुत बड़ा है। बाकी इस सीरीज की जो स्टार कास्ट है वो बेहतरीन है भाई, एक नंबर, सबने अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया काम करा है। और इस सीरीज की जो मेन लीड है त्रिशा कृष्णन भाई, वो तो इस सीरीज की स्टार है यार, मतलब उन्हीं की वजह से मैंने सीरीज देखी थी। अब इस सीरीज के बारे में तुम्हें बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, अगर इससे ज्यादा बताने लग गया तो शायद मेरा ही मर्डर ना हो जाए। तो जल्दी जाओ और सोनी लिव पर जाकर इस सीरीज को देख लो, क्योंकि एक बार तुम्हें सीरीज को देखना तो जरूर चाहिए। और जब तुम ये सीरीज देखने लगोगे तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि तुम्हें इस सीरीज का मेन विलन लगा कौन, और जिसने मेरी डेडपूल वाली वीडियो नहीं देखी ऊपर आपको शो हो रही होगी देख लो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।